तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूँ आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। सागवाड़ा का एक कद्दावर नेता जिसके घर पे ईडी ने छापे मारे, 500 करोड़ से अधिक संपत्ति वहाँ पर मिली, उसी प्रकार से सारे कांग्रेसी बौखला गए। गोविंद सिंह डोडासरा के वहाँ ईडी ने छापा मारा और हम आज ईडी के समर्थन में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा बांसवाड़ा ने आज डोडासरा का पुतला जला करके। राजस्थान में ईडी के एंट्री से हड़कंप मचा है, जिसके तहत गुरुवार को ईडी की टीम ने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा और निर्दलीय विधायक ओम प्रकाश हुल्ला के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया। छापेमार कार्रवाई के खिलाफ जयपुर में ईडी दफ्तर के बाहर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस कार्यकर्ता जयपुर से सीकर तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वही दूसरी तरफ बांसवाड़ा में गोविंद सिंह डोडासरा का जमकर विरोध कर पुतला जलाया जा रहा है। जिस प्रकार से जो पेपर लीक हुए राजस्थान में, कांग्रेस के पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोडासरा के खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने पुतला जला करके, और जिस प्रकार से इन्होंने जो पेपर प्रकरण में इनके विधायक, इनके मंत्री जो लिप्त थे और कांग्रेस सरकार पूरी इसमें लिप्त थी, आप सब ने देखा होगा कि सागवाड़ा का एक कद्दावर नेता जिसके घर पे ईडी ने छापे मारे, 500 करोड़ से अधिक संपत्ति वहां पर मिली, उसी प्रकार से सारे कांग्रेसी बौखला गए। गोविंद सिंह डोडासरा के वहां ईडी ने छापा मारा और हम आज ईडी के समर्थन में वो भारतीय जनता युवा मोर्चा बांसवाड़ा ने आज डोडासरा का पुतला जला करके युवाओं के साथ में जो कुठाराघात किया है, आप सबको पता होगा। राजस्थान के 5 साल की ये दरमियान सरकार में युवा कहीं कहीं इधर इधर भटकता हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए आज ये पेपर प्रकरण को लेकर के हमने गोविंद सिंह डोडासरा का पुतला जलाया। बांसवाड़ा जिला अध्यक्ष दीप सिंह वसुनिया ने बताया कि डोडासरा की रीट के पेपर लीक मामले में भूमिका रही, इसके बाद भी जांच से बचने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को आगे करके छिपाना चाहते हैं। ईडी कार्रवाई में 500 करोड़ भी मिले हैं, विधायक मंत्री व कांग्रेस सरकार खुद इसमें लिप्त थी। साथ ही इनका ये भी कहना है कि वागड़ क्षेत्र में कांग्रेस के कद्दावर नेता के घर में 500 करोड़ से अधिक की संपत्ति मिली है। साथ ही चेतावनी दे डाली कि सांच को आंच कैसी, लेकिन सभी कांग्रेस के लोग बौखला गए हैं। आने वाले चुनाव में जनता इनको सबक सिखाएगी और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनने जा रही है। आपको बता दें कि राजस्थान में गुरुवार को ईडी ने डोडासरा के ठिकानों पर रेड मारी है। इसे लेकर डोडासरा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सत्यमेव जयते लिखते हुए पोस्ट भी किया है। तो उधर सोशल मीडिया पर डोडासरा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है, जिसको लेकर लोग तरह तरह के मीम्स भी बना रहे हैं। इस वीडियो में डोडासरा ने बयान में कहा था कि वह किसी भी गलत काम में शामिल नहीं है, इसलिए उन्हें इन जांच एजेंसी से कोई डर नहीं है। राजस्थान तक के लिए बांसवाड़ा से राजेश सोनी की रिपोर्ट।